Hello my dear viewers, welcome to the Modern Kitchen channel. Hope you're doing well. So today we're gonna make mango puffin. It's fantastic recipe. ये बहुत मज़े का डेजर्ट है और ये बहुत ईजीली घर में बन जाता है. रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप इन्ग्रीडियंट्स नोट कर लें. तो सबसे पहले हमने क्रीम ले लेनी है 4 packs, आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं. और यहाँ पर है मेरे पास मिक्स फ्रूट कॉकटेल, शुगर एज रिक्वायर, बट मैंने यहाँ पर 2 tablespoons ली है. और यहाँ पर आ जाते हैं हमारे मैंगोज़. यहाँ पर मैंने 7 mangoes लिए हैं. मैंगोज़ की कैटेगरी की चॉइस ये आपकी है, आप किसी भी कैटेगरी के ले सकते हैं. सो टेक बाउल एंड ऐड 4 packs ऑफ क्रीम. एक बाउल में हम क्रीम शामिल कर देंगे. आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल पर्स क्रीम, जो से भी हो कंपनी की. और ये क्रीम हमने डाल दी और इसको हम साइड पर रख देंगे. अगेन आ जाते हैं हम मैंगोज़ की तरफ. इनको हमने क्यूब्स में कट कर लेना है. कट करके इनको भी साइड पर रख देंगे. और जो हमारी क्रीम है उसको हमने 2 minutes के लिए बीट कर लेना है. शुगर को ऐड कर लेंगे. अगर आपके मैंगोज़ खट्टे हैं तो आप शुगर को डबल कर लें. शुगर को ऐड करने के बाद हमने इसे 3 minutes के लिए बीट करना है. और उसके बाद हमने फ्रूट कॉकटेल डाल देना है. मैंने सारा मिक्स फ्रूट कॉकटेल ऐड किया है. इसको ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. आफ्टर मिक्सिंग हम इसमें मैंगोज़ ऐड कर लेंगे. तो ये देखें, बस इतने से इन्ग्रीडियंट्स थे. आप इसे ज़रूर बनाएं घर में. और अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसे बार बार ट्राई करेंगे. तो जी, मैंगो हमने ऐड कर लिए, तो हम अभी इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से. 4 to 5 minutes के लिए हमने इसे मिक्स करना है. जब तक ये मिक्स होता है तब तक आप जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. और बेल आइकन को तो आपने क्लिक करना है, क्योंकि जैसे ही मैं अपलोड करूँ तो वो आप तक वीडियो आ जाए. पुट इन सर्विंग बाउल. थ्री टू फोर आवर्स के लिए हमने इसे फ्रीज़र में रख देना है. जब तक ये फ्रीज नहीं हो जाता तब तक आपने इसे फ्रीज़र में ही रखना है. तो मैंगो पफिन हमारा रेडी है. और यहाँ पर हमारी लाइट ऑफ हो गई थी, तो यहाँ पर हमारा मैंगो पफिन मेल्ट हो गया था. तो जब तक ये फ्रीज़ ना हो जाए आपने इसे सर्व नहीं करना. सो माय डियर व्यूअर्स, ये थी आज की रेसिपी मैंगो पफिन. आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. एज ऑलवेज रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हंग्री. Take care. Allah Hafiz.